झारखंड में राजनीतिक तपिश बढ़ा रहे बालूघाट। कोयला के बाद बालूघाट बने माफियाओं का नया ठिकाना। उत्तर प्रदेश और बिहार के बालू माफिया सक्रिय हो गए हैं झारखंड में। भ्रष्ट पुलिस अफसरों की अवैध कमाई का जरिया बन रहा बालू। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में कोयले की तपिश के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन रेत का खेल भी यहां कम नहीं है। आजकल झारखंड का सियासी पारा बालू पर ही गर्म हो रहा है। बालू के अवैध उत्खनन, माफियागिरी, ब्लैक मार्केटिंग, परिवहन में पुलिसिया कार्रवाई समेत सभी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि पिछले दो दिनों से विधानसभा के बजट सत्र में भी बालू घाटों की नीलामी का मुद्दा उठ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अप्रैल में बालू घाटों की नीलामी का काम पूरा करने की घोषणा कर इस मामले की तपिश को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन अप्रैल आने में अभी कुछ ही दिन शेष हैं। नतीजतन बालू घाट नीलामी मामले की गर्माहट अभी भी बनी हुई है। सरकार का लक्ष्य राजस्व जुटाना है, साथ ही गरीबों और स्थानीय लोगों को समस्या न हो, ये प्रयास है। इन सब के बीच सियासत जारी है, साथ ही इस पर झारखंड तो क्या, पड़ोसी राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश तक के ठेकेदारों की नजर टिकी हुई है। वो राज्य में अपने आका को तलाशने में लगे हैं, जिससे बालू की नीलामी में खेल कर सकें। बालू घाटों की नीलामी को लेकर राजनीतिक तपिश पर आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की विस्तृत रिपोर्ट। झारखंड की पहचान कोयले से है। राज्य में कोयले को लेकर सियासत, माफियागिरी, अवैध खनन, गोलीबारी आदि कोई नई बात नहीं है। ये सब धीरे धीरे रेत यानी बालू के धंधे में भी प्रवेश करता जा रहा है। बालू घाटों से अवैध उत्खनन, अवैध उठाव, ब्लैक मार्केटिंग, पुलिसिया धर पकड़ आदि शुरू हो चुका है। इस कार्य में नेक्सस काम करने की बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका खामियाजा भी स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। गांव की कच्ची सड़कें तबाह हो रही हैं। रात दिन वाहनों का शोर होता है, जेसीबी की मशीनें चल रही हैं, छोटी छोटी नदियां और तालाब बर्बाद हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का पर्यावरण बिगड़ रहा है। स्थानीय लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि अपना घर बनाने या छोटा मोटा काम करने के लिए बालू की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गांव की स्थिति भी नहीं सुधर रही है। बालू घाटों की नीलामी का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था विधानसभा के बजट सत्र में इस पर काफी हंगामा हुआ। मुद्दा भाजपा के विधायक बिरंची नारायण ने उठाया। बिरंची ने बालू घाटों में अवैध खनन और स्थानीय लोगों के अपने कामों के लिए ले जा रहे बालू ट्रेलरों को पुलिस द्वारा धर पकड़ की बात कही। विपक्ष के सभी सदस्य इस मुद्दे पर सदन में एकजुट हुए। चूंकि मामले में सरकार को घेरा जा रहा था, इसलिए सत्ता पक्ष के विधायकों का विपक्ष को साथ नहीं मिला, पर उन्होंने चुप रहकर मामले की गंभीरता को बता दिया। साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बयान ने साफ कर दिया कि राज्य में बालू उठाव को लेकर समस्या तो है ही। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर ने बालू लदी गाड़ी को पकड़ा था। इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने एसपी और डीआईजी को इसकी सूचना दी। इसके फौरन बाद संबंधित इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये बयान अपने आप में पुष्टि कर रहा है कि बालू के अवैध खनन, स्थानीय लोगों द्वारा अपने काम के लिए बालू ले जाने पर पुलिसिया धर पकड़ की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। बालू घाटों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। सरकार का ध्यान इस ओर है। सरकार इस दिशा में कदम भी उठा रही है। स्थानीय लोग अपने कामों के लिए बालू उठाव करेंगे तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। मंत्री बादल ने सदन में कहा कि राज्य में किसी थाना को बालू की गाड़ियों को पकड़ने का अधिकार नहीं है। अगर विधायक कोई केस या मामला बताते हैं
तो उस पर कार्रवाई होगी। निर्माण कार्य के लिए सामग्री के आवागमन को पुलिस नहीं रोकेगी। इन वाहनों की जांच भी बिना एसपी की अनुमति के नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक जिम्मेवार होंगे। राज्य में बालूघाट की कमी नहीं है, ये सरकार के लिए एक अच्छा राजस्व देने वाला सेक्टर है। वर्ष 2018 से 19 में 1,40,00,000, वर्ष 2019 से 20 में 1,75,00,000 और वर्ष 2020 से 21 में 8,56,00,000 रुपए बालू से प्राप्त हुए हैं। 2019 से 20 की तुलना में 7,00,00,000 रुपए अधिक राजस्व की प्राप्ति इस वित्तीय वर्ष में हुई है। ये हालात तब हैं जब बालू घाटों की नीलामी अभी सही तरीके से नहीं हुई है। अगर सरकार इसे व्यवस्थित ढंग से कर दे तो निश्चित ही राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। राज्य में कैटेगरी 1 में 235 बालू घाट, कैटेगरी 2 में 358 बालू घाट हैं। बालू के अवैध उठाव पर रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स काम कर रहा है। कैटेगरी 1 के बालू घाट नीलाम नहीं किए जाएंगे, इसकी देखरेख ग्राम सभाओं के माध्यम से होगी। इन घाटों से स्थानीय लोगों द्वारा अपनी जरूरत और सामुदायिक कार्यों के लिए बालू का उठाव होना है। वहीं कैटेगरी 2 के बालू घाटों की नीलामी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में घोषणा कर चुके हैं कि अप्रैल में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने आश्वस्त किया है कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी। अब देखना यह है कि बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया किस तरह से पूरी होती है, इसे लेने वाले कौन लोग हैं। बालू घाटों पर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई लोगों की नजर टिकी है। खासकर पड़ोसी राज्यों से सटे सीमावर्ती इलाकों में इनकी दखल अंदाजी बढ़ी है। इसकी शिकायत बीच बीच में आती रहती है। ये अभी भले ही बालू खनन और उठाव अवैध रूप से कर रहे हों, लेकिन इनका वैध रूप से लेने का प्रयास भी होगा। इसलिए दूसरे राज्य के बालू के खेल से जुड़े लोग झारखंड में आकाओं की तलाश कर रहे हैं। राज्य के बाहर के लोगों की दखल अंदाजी बढ़ने से बालू घाट के लिए भी कोयले की तरह ही राजनीतिक, प्रशासनिक एवं पुलिस की मिलीभगत, माफियागिरी, गुंडागर्दी, हत्या, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, वसूली आदि की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। विधायकों ने आशंका भी जाहिर की है कि समय रहते नहीं चेता गया तो बालू घाट के नेक्सस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ये तमाम बातें भविष्य में देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी से इस मुद्दे पर सियासत की चालें गर्म होती जा रही हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।